हमारे साथ है अनिल बलूनी जी, जिनको अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया उत्तराखंड में। सर, सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे। क्या लगता है सर कि अब उत्तराखंड में किस तरीके से अब आपका क्या रणनीति होगी, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड की राज्य की राजनीति की बात है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है और जिस प्रकार से सरकार चल रही है, जिस प्रकार से विजन लेस सरकार चल रही है, थॉट लेस सरकार चल रही है, तो बहुत ख़राब तरीके से उत्तराखंड का अहित हो रहा है और उत्तराखंड में जो विकास कार्य हैं वो बिल्कुल अवरुद्ध हैं। तो हमें लगता है कि हम लोग जनता को बताएंगे और जनता हमको आशीर्वाद देगी, ऐसा लगता है हमें। हम जनता को अपने जो हमारी सेंटर की गवर्नमेंट काम कर रही है और जो हमारी नीतियाँ उनके बारे में बताएंगे, हमें लगता है कि उत्तराखंड की जनता हमको जरूर चुनेगी। सर, अभी देखा गया था जो बाबा रामदेव कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे, अब एकदम से कांग्रेस उनको अपनी तरफ खींच रही है। नहीं, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, इस पर क्या, इस पर तो कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। सर, अभी उत्तराखंड में चुनाव भी होने वाले हैं 2017 में, लेकर उनको लेकर के क्या पार्टी ने क्या रणनीति वगैरह तय की है? कि मैंने बताया ना कि हम लोग जनता के पास अपना एजेंडा लेके जाएंगे कि हमारी ये नीति है, हमारी ये पॉलिसीज है, हम ऐसा उत्तराखंड चाहते हैं भविष्य के लिए। हम ये जनता को बताएंगे, जनता हमको जरूर आशीर्वाद देगी, ये हमारी अपेक्षा है। अनिल जी, उत्तराखंड में देखा जा रहा है काफ़ी समय से, लंबे समय से एक मांग उठती जा रही है कि गैरसैंण को वहाँ की राजधानी बनाया जाए। नहीं, देखिए, सरकार को तय करना है, जो वहाँ की राज्य की सरकार है उसको तय करना है, क्योंकि सरकार तय करती है। सरकार तय करे फिर हम उसमें अपनी राय बताएंगे। सरकार को लगता है, सरकार मेरे को, लेकिन अभी तक जिस तरह से सरकार काम कर रही है, देखिए, जुमलों से सरकार नहीं चलती, टोटकों से सरकार नहीं चलती। कभी गैरसैंण में कैबिनेट कर दी, कभी केदारनाथ में कैबिनेट कर दी, ये नहीं। केदारनाथ के अंदर अभी भी हजारों शव दबे में, केदारनाथ का अभी भी पुनरुद्धार होना है, केदारनाथ में अभी भी अव्यवस्था फैली हुई है। लेकिन सरकार सिर्फ कैबिनेट करके और इतिश्री कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। सरकार को हमें लगता है काम करना चाहिए, सरकार को विकास के काम करने चाहिए। सरकार वो काम नहीं कर रही है, सरकार केवल टोटकों से सरकार चलाना चाह रही है, जो कि नहीं चल सकती है। ठीक है सर, तो ये थे अनिल बनूजी, जिनका कहना है कि सरकार सिर्फ जुमलों से नहीं चलती, वहाँ पर काम करके दिखाना पड़ता है। कैमरामैन दीपक चौबे के साथ मैं मुनीश शरत, हिमालय न्यूज़।